हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम बलराम यादव और एक और नया वीडियो लेके आया मैं सेट के लेवल 3 के मैथमेटिक्स के लिए। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे लॉगरिथम, तो इस वीडियो में भी हम लॉगरिथम को कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हम लास्ट वीडियो में लॉगरिथम की डेफिनेशन देखी, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। अभी हम पढ़ेंगे लॉगरिथम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। इसका यूज करके एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, जो हमें लगता है यार ये तो सोल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका यूज करके वो ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाता है। तो देखिए हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया था पहले भी, हम यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो जैसे हमारे पास लॉग होता है, बेस, यहाँ पे बेस इंपॉर्टेंट है, बेस को डिफाइन करना, बेस क्या है, ठीक है। तो बेस हमने लिख दिया ए एक्स, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास वाई, ठीक है। तो यहां पे एक्स कहां से बिलोंग करता है, ये एक्स क्या है डोमेन, वाई क्या है रेंज। तो हमने डोमेन डिफाइन की थी, क्या होती है जीरो से इन्फिनिटी, और रेंज को डिफाइन किया था कि कंप्लीट रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर में से। तो वाई आर में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है वाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे अगर हमने मान लिया वाई क्या है, वाई एक रियल नंबर, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इसके एक इंटीग्रल पार्ट में, प्लस में फ्रैक्शन, ठीक है। वाई को हम ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन, इंटीग्रल पार्ट मींस इंटीजर, इसका इंटीजर पार्ट प्लस में जो भी फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं, वाई को हमने मान लिया, वाई हमारे पास क्या है 2.5, ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2.5, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है, जो इंटीजर है, इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, करेक्टरिस्टिक, और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसको बोलते हैं हम मैंटिसा, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो y की वैल्यू आएगी उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मैंटिसा बोलते हैं। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, ये सब इनकी डेफिनेशन, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज होता है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है करेक्टरिस्टिक की और मैंटिसा की। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मैंटिसा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंटिसा है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, मींस हमेशा पॉजिटिव लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी है, इस बेस पे कैसा क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। जैसे ये हमारे पास लॉग टू द बेस ए एक्स, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस 1 बाई 3, कुछ भी मान ले, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये क्या है करेक्टरिस्टिक, ये क्या है मैंटिसा। तो जब ये करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है, करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, तो अब हम इस y के, इस x के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि x कैसा होगा, ठीक है, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अगर करेक्टरिस्टिक 3 है तो x में 4 डिजिट होंगी, x एक 4 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो हम इसको इन जनरल बोल सकते हैं, अगर करेक्टरिस्टिक हमारे पास n है, कोई भी नंबर है, n करेक्टरिस्टिक मींस इंटीजर होगा, तो जो इसमें x में नंबर ऑफ डिजिट्स इन x, x में कितनी डिजिट्स होंगी वो किसके इक्वल होंगी n प्लस 1 के इक्वल होंगी, ठीक है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या था 3 था, तो हमने बता दिया x में 4 डिजिट होंगी, या बोल सकते हैं x एक 4 डिजिट नंबर होगा, देखिए है ना बहुत इंटरेस्टिंग सा। तो इसका यूज करके हम बताएंगे, हमें एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दे देगा वो कि 15 की पावर 41, ऐसा दे दिया और बोलेगा इस नंबर में बताओ कितनी डिजिट्स है, तो इसको कैलकुलेट करना इजी है, नहीं बिल्कुल भी हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, पूरा एग्जाम का टाइम तो इसी को सोल्व करने में लग जाएगा अगर हम इसको नॉर्मल सोल्व करेंगे, लेकिन लॉग की हेल्प से हम डायरेक्ट बता सकते हैं उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, ठीक है। तो ये हो गया करेक्टरिस्टिक की बात,
ये तो तब था जब करेक्टरिस्टिक क्या था, पॉजिटिव। ओके, अगर करेक्टरिस्टिक क्या हो जाए, नेगेटिव। हमने पॉजिटिव की सिर्फ कंडीशन किस पे रखी थी, मेंटिसा पे, कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक माइनस एन है। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा हमारा करेक्टरिस्टिक। तो अब एक्स के बारे में क्या प्रिडिक्शन करेंगे, हम बोलेंगे जो एक्स है ना उसमें एन माइनस वन, क्या किया हमने, एन माइनस वन क्या होंगे, जी नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पार्ट मीन्स अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो एक्स में डेसिमल के बाद एन माइनस वन क्या होंगी, जीरोज होंगी। तो हम इनको दोनों चीजों को एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो हम इसको एक्चुअल फील करते हैं कि ये कैसा होता है। ये तो अभी तक हमने डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, हम इसको समझेंगे। अब देखिए ये कब पढ़ते हैं हम सब, लॉग टू द बेस 10 होता है तब। ठीक है, लॉग टू द बेस 10 और यहाँ पे एक्स है और इसकी वैल्यू हमने मान लिया क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, एक्स हमें नहीं पता क्या है लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 2 आ रही है। तो हम क्या बोलते हैं, इस बेस की वो पावर, कौन सी पावर, 2, क्योंकि आंसर तो हमें पता है बेस की क्या पावर करें, 2, कि हमें वैल्यू क्या मिल जाए, एक्स। ऐसे ही बोलते हैं ना, एक्स लॉगरिथम की डेफिनेशन में ऐसे ही पढ़ा था हमने कि बेस की वो पावर करे जो एक्स दे दे। तो बेस की पावर क्या करती है, 2, क्योंकि 2 आंसर है, हमारे पास एक्स आ गया। तो ये क्या आ गया, 100 इक्वल टू एक्स, एक्स क्या आ गया, 100। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 3, 3 डिजिट है ना, एक तो सोल्व करके बताया और डायरेक्ट हम क्या बता सकते हैं, करेक्टरिस्टिक क्या था हमारे पास, 2, तो x में कितनी डिजिट होंगी, 2 प्लस 1। अगर x ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए, -2 आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो हमने इस रिजल्ट की हेल्प से क्या बताया था कि n माइनस वन क्या था, 2 माइनस 1 क्या होंगी, डेसिमल के बाद जीरोज होंगी, 2 माइनस 1 मीन 1 0 होगा डेसिमल पार्ट के बाद। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, 10 की पावर क्या होगी, -2, किसके इक्वल आएगा ये, एक्स, ये क्या होगा, 1/100 इक्वल्स टू एक्स आ गया ये। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.01 इक्वल्स टू एक्स, ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, 1 0 है, ये तो हमने सोल्व करके कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे इसके रिजल्ट से हमने डायरेक्ट पहले ही बता दिया था कि डेसिमल के बाद कितनी जीरो होंगी, 1 0 होंगी, है ना, इंटरेस्टिंग, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो इस बेस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी बेस पे। तो देखते हैं हम वो क्वेश्चन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उस प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ हम सारे क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और प्रॉपर्टी देखने से पहले मैंने अभी जो डिफाइन किया करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, तो वहां पे मैंने क्या बताया कि इंटीग्रल पार्ट को करेक्टरिस्टिक बोलते हैं और फ्रैक्शनल को मेंटिसा, और ये दोनों हम कब पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन में पढ़ते हैं, जब बेस क्या होता है, 10 होता है, लॉग टू द बेस 10 एक्स, सिर्फ ऐसा लॉग हो जिसका बेस 10 हो तभी ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। मैंने आपको एक बार बताया भी होगा कि ये सब हम कब पढ़ते हैं, जब बेस क्या हो, 10 हो। तो इसको ध्यान रखिए, ये दोनों चीज कब पढ़ेंगे, जब बेस हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है लॉगरिथम की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी नंबर का लॉग, बेस भी वही सेम नंबर हो तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बेस और ये नंबर क्या हो, सेम हो, तो आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि हमें पता है 1 की पावर क्या बताया था, 1 की पावर क्या करे कि a मिल जाए, तो 1 की पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो हमें 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, लॉग बेस a नंबर b, ये किसके इक्वल होगा,
इनको अगर हम एक्सचेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, ए के प्लेस पे बी लिख दे, बी के प्लेस पे ए लिख दे, तो एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, उसके बाद एक और है, ये सभी आपको बेसिक से बहुत पता ही होगा, लोग किसका, वन का बेस कोई भी हो, ठीक है, बेस क्या हो, कोई भी हो, और वन का लोग निकाले तो क्या आएगा आंसर, जीरो। वन का लोग हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ए की क्या पावर करे वन मिल जाए हमें, ए की क्या पावर करे वन मिल जाए, और ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू वन है, तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसकी पावर कुछ भी ले ले, वन तो आ नहीं सकता, एक्सेप्ट कब, जीरो के, तो उस बेस की पावर अगर हम जीरो करेंगे तो उसी कंडीशन में हमें वन मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लोग बेस चेंज फॉर्मूला तो बता दिया मैंने कि अगर हमारे पास लोग टू द बेस ए, इसको चेंज करना बेस को, सी से हमें बी में बनाना, तो क्या करेंगे, बी ऊपर वाला नंबर, फिर बी के रिस्पेक्ट में यहाँ जो बेस था उसका लोग, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास क्या है, ए, ए की पावर लोग, ये क्या होता है, एम के इक्वल, ठीक है, जनरली आपने पढ़ा होगा ए की पावर लोग हमेशा क्या हो जाते हैं, कैंसिल, हम ऐसे बोलते हैं कि ए की पावर लोग क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे क्या होता है, इस लोग का बेस क्या होता है, ई होता है, इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। और इन जनरल क्या है, ए कोई भी नंबर है उसकी पावर लोग टू द बेस ए एम है, तो यहाँ से ये और ये खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, एम बचेगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, बहुत से जनरल से रिजल्ट है, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि लॉगरिथम से कुछ अलग सा आएगा जो आपको पता नहीं होगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट है लॉग टू द बेस ए, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस में लॉग टू द बेस ए इंटू में एन, तो माइनस कैसे आया, देखिए यहाँ पे इसको लेके आने के लिए एक जनरल फॉर्मूला जो आपको पता है, बहुत टाइम आप पढ़ रहे होंगे, m बाई एन, ये क्या होता है, बेस यहाँ पे कोई भी हो, log टू द बेस m माइनस log, ये होता है m बाई एन को हमने ओपन कर दिया। एक और होता है, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि ये सभी को पता होता है, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो हमने इसमें देखो, वन बाई एन है, एम के जगह क्या है, वन है, तो लोग बेस ए एम, और वन का बेस क्या होता है, वन का लोग क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, माइनस में लोग ए टू द बेस एन, ठीक, जीरो का हमने हटा दिया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लोग टू द बेस ए एन को क्या लिख सकते हैं, एन की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या, लोग एम की पावर एन, तो ये किसके इक्वल होता है, लोग ए, और ये एन कहाँ था, मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। अगर इस नंबर की कोई पावर है तो वो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, ये भी आपको पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर क्या है, माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई में ले आए, यही आ गया। दो तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मे भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है, ये तो सारे बेसिक थे, हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, बेस की पावर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, बेस की पावर है, ये पावर क्या है, बेस की है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, जो पावर है वो वन के अपॉन में और बाहर आ जाएगी। देखिए, इस नंबर की पावर थी तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ गई थी, बेस की पावर है तो वो उसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं एक, ठीक है, बेस की पावर लगा दी, नंबर की पावर लगा दी, तो क्या होता है, इस नंबर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में, और जो बेस की पावर होती है वो वन बाई में, तो वन बाई अल्फा इंटू में लॉग, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी लॉग की, तो आई थिंक इसी के साथ सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, चलो एक प्रॉपर्टी और बची है इसकी, फिर सारे रिजल्ट इस लॉग के ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लॉग के प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो सोल्व करेंगे, और आपको इसकी क्या देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे।
तो चलिए यहाँ पे एक और रिजल्ट है, लोग बेस ये है और ये किसकी पावर है, किसी नंबर ए की पावर लोग बेस सी इंटू बी, और ये किसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, हम इस बी को और ए को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वो बी की पावर लोग सी ए, देखिए बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे बेस सेम रखेंगे लेकिन ए को और बी को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ये कि ए की पावर में था, यहाँ पे क्या है, बी की पावर में है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी और सी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छोटा सा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे, लॉगरिथम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये क्वेश्चन देखेंगे, देखिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमें बताना है ये जो नंबर आएगा, ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी वाई, तो ये वाई क्या है, एन इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल या प्राइम नंबर, तो हमें इसके बारे में बताना। तो गैस कीजिए क्या होगा वाई, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, इंटीजर। तो देखिए हमें क्या करना था, सबसे पहले क्या करेंगे, लोग की डेफिनेशन तो हम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि ये किस प्रोसीजर के तहत वाई देता है। तो देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, टू की पावर क्या करते हैं, वाई, टू की क्या पावर करें, यहाँ पे आंसर वाई थे तो वाई की, तो ये क्या देता है, सेवन। ठीक, तो देखिए हमने 2 की क्या पावर करें कि हमें 7 मिल जाए, कोई ऐसी इंटीजर पावर है, 2 की कोई भी अगर इंटीजर पावर करें तो हमें से क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। 2 की कोई भी इंटीग्रल पावर हो वो हमें से क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ओड है, तो y क्या नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, इतनी बात आ गई समझ में, इंटीजर नहीं हो सकता, और इंटीजर नहीं है तो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ये सब हम किस पे डिफाइन करते हैं, इंटीजर्स पे डिफाइन करते हैं। ओके, तो इंटीजर नहीं है तो प्राइम नहीं है, तो दो ऑप्शन बच गए, रैशनल या इरेशनल। तो ये क्या पॉसिबल है कि कोई रैशनल नंबर हो जाए और उसकी पावर 7 आ जाए, पॉसिबल है, लग तो रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं वाई इज रैशनल नंबर, वाई को क्या कर लिया हमने, रैशनल। तो रैशनल किस टाइप के होते हैं, पी बाई क्यू, और यहाँ पे पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। ठीक है, मतलब आगे ये क्या नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं हो सकते, तो वाई को हमने रैशनल मान लिया पी बाई क्यू के फॉर्म में, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू क्या है, पी बाई क्यू इक्वल्स टू 7। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, पावर क्यू कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से क्यू कैंसिल करना है, दोनों साइड हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कर सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल, 2 की पावर क्या हो गया, पी इक्वल्स टू 7 की पावर क्या हो गया, क्यू। तो देखिए रैशनल नंबर में जो पी और क्यू होते हैं ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं पी और क्यू, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 2 की क्या मिल गई, इंटीग्रल पावर मिल गई, तो इंटीग्रल पावर 2 की हमेशा क्या होती है, इवन होती है, और यहाँ पे क्या है, 7 की इंटीग्रल पावर है, तो 7 की कोई भी इंटीग्रल पावर हो वो कभी भी इवन नहीं आएगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, ओड रहेगा, तो इवन इक्वल्स टू ओड, क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इवन और ओड इक्वल हो जाए, तो जो हमारा अजप्शन था वाई रैशनल नंबर, ये भी क्या हो गया, गलत, तो एक ऑप्शन बच गया, वाई क्या होगा, इरेशनल, मतलब इस जो लोग की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे लेवल 3 में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।